बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुरुजी रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष शिष्य था जिसका नाम मोहन था। मोहन गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य था, क्योंकि वह हमेशा गुरुजी की बातें ध्यान से सुनता और उनका पालन करता था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं आप सभी को एक कठिन कार्य देना चाहता हूँ। जिसे इस कार्य में सफलता मिलेगी वही मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा। सभी शिष्य उत्साहित हो गए और गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो कार्य क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी को इस गांव में जाकर एक ऐसी जगह खोजनी है जहां कोई भी व्यक्ति तुम्हें देख न सके। सभी शिष्य गांव के अलग अलग कोनों में चले गए। कुछ ने पेड़ों के पीछे छुपने की कोशिश की, कुछ ने अंधेरे में छुपने का प्रयास किया, लेकिन जब वे वापस आए तो गुरुजी ने उनसे पूछा, क्या तुमने ऐसा स्थान ढूंढ लिया? सभी ने हाँ में उत्तर दिया। फिर गुरुजी ने मोहन की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ा था। गुरुजी ने उससे पूछा, मोहन तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? तुमने ऐसा स्थान ढूंढ लिया क्या? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी मैं ऐसा कोई स्थान नहीं ढूंढ सका जहां कोई मुझे देख ना सके, क्योंकि जहां भी मैं गया मैं खुद को देख सकता था और मुझे एहसास हुआ कि भगवान भी मुझे देख रहे हैं। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, मोहन तुमने सत्य को समझा है। जब भी हम कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं हमें यह याद रखना चाहिए कि हम खुद को देख रहे होते हैं और भगवान भी हमें देख रहे होते हैं। इस प्रकार मोहन गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बन गया, क्योंकि उसने गुरुजी की शिक्षा को सही अर्थों में समझा था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलें, क्योंकि हम चाहे जहां भी हों खुद से और भगवान से कुछ भी छिपा नहीं सकते।